कहानी की शुरुआत होती है और हम लॉरेंस को देखते हैं। पेशे से लॉरेंस एक अभिनेता है और बड़े थिएटर ड्रामों में अभिनय करता है। वो बरसों अपने घर से दूर रहा है, कभी अपनों की खबर तक नहीं ली, पर हाल ही में उसे खत के जरिए पता चला कि उसका भाई बेन लापता हो गया है। वैसे तो उसने कभी अपनों की परवाह नहीं की, पर इतना काफी था उसके घर वापस लौटने पर मजबूर होने के लिए। घर आते ही लॉरेंस की मुलाकात उसके पिता सलचौन से होती है। बेटे के लौटने पर खुशी नहीं, पिता को हैरानी होती है, पर तसल्ली थी कि परिवार के प्रति उसे जिम्मेदारियों का एहसास था। पर साथी लॉरेंस के पूछने पर सलचौन को बड़े भारी मन से बताना पड़ता है कि उसका भाई बेन अब नहीं रहा। वहाँ से लॉरेंस आखिरी बार अपने भाई को देखने की इच्छा लिए निकलता है। मना करने पर भी वो किसी की नहीं सुनता है। यह आखिरी बार है, इसके बाद वो अपने भाई को कभी देख नहीं पाएगा। यही सोचकर वो जैसे ही कपड़े को हटाता है तो डर से उसका शरीर कांप जाता है। बेन की लाश बुरी तरह कटी फटी और आधी सड़ चुकी थी। शराब खाने में बैठा लॉरेंस बड़े ही गौर से लोगों की बातें सुनता है। सब बेन की ही बातें करते हैं। कोई कहता है कि बेन को किसी जानवर ने मारा, कोई कहता है कि किसी खूनी का काम है, लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा भी था जो बताता है कि ना तो ये काम किसी जानवर का है ना किसी इंसान का। 25 साल पहले भी ऐसा हुआ था, तब एक दरिंदे को देखा गया था जिसे ना तो बंदूक का खौफ था ना बारूद का। पलके झपकते ही वो अपने पंजों से इंसानों के चीथड़े कर देता था। वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी बात को बकवास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद लॉरेंस ग्वेन से मिलता है। ग्वेन बेन को चाहती थी, दोनों शादी के पवित्र रिश्ते में बनने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया और बेन मारा गया। दरअसल लॉरेंस को वो खत ग्वेन ने ही लिखी थी। बेन की कुछ निशानियां सौंपकर लॉरेंस इस मामले की तह तक जाकर रहेगा, ग्वेन से वादा करता है। बेन के अंतिम संस्कार के बाद ग्वेन लंदन रवाना हो जाती है। लॉरेंस अपने पिता से पूछता है कि वो कौन है जो बेन को इतनी भयानक मौत दे सकता है। उसके पिता इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। आज पूरनमासी है, बाहर भटकने से बेहतर वो लॉरेंस को घर के अंदर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो अपना दूसरा बेटा नहीं खोना चाहते। लेकिन लॉरेंस पर पिता के भाषणों का कहां कोई असर होने वाला था। उसे तो बस अपने भाई के खूनी तक पहुंचने का एक सुराग चाहिए था, जिसके खातिर वो बंजारों की सरदारनी मलाइवा से मिलता है। बेन की लाश के पास से एक लॉकेट बरामद हुई थी जिसे दिखाकर वो खूनी के खिलाफ सबूत जुटाने का प्रयास करता है, लेकिन तभी काफिले पर हमला हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। भीड़, शैतान, हैवान चीखते हुए चारों ओर भागने लगती है। लॉरेंस उसकी एक झलक पा लेता है। वो जानवर जैसा दिखने वाला कोई दरिंदा था। लॉरेंस जब तक खुद को संभाल पाता, खून से जमीन लाल हो चुकी थी। वो दरिंदा आधे से ज्यादा को चीर फाड़ चुका था। लॉरेंस पीछा करते हुए जंगल के अंदर तक चला जाता है। उस दरिंदे की रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज है। लॉरेंस जब तक उसे देख पाता, वो दरिंदा उस पर हमला कर देता है। तभी शिकारियों का दल वहां पहुंचता है। लॉरेंस बच तो जाता है, पर साथी बुरी तरह घायल भी हो जाता है। दरिंदे का काटा दरिंदे में बदल जाता है, जिसकी कीमत इंसानियत की तबाही होगी, पर इस कहावत के मुताबिक लॉरेंस को मरने के लिए छोड़ देना उचित नहीं होगा। ग्वेन लंदन गई ही नहीं थी, लॉरेंस के बारे में पता लगते ही लौट आती है, उसकी देखभाल करती है। लॉरेंस बड़ी तेजी से ठीक होने लगता है। एक हफ्ते के अंदर ही उसका जख्म पूरी तरह भर जाता है। उसके जख्मों के निशान ऐसे मिट जाते हैं जैसे उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। आगे हम सिंह को देखते हैं, लॉरेंस के पिता का वफादार, जो अपने मालिक के शान की खातिर सर तक कटा सकता है। लॉरेंस आधी रात में बंदूक को तैयार करने की वजह पूछता है। सिंह बताता है कि एक सिख ऊपर वाले का सिपाही होता है। वो अपनों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसके पास चांदी की गोलियां हैं, जो भटक रहे दरिंदे को जहन्नुम तक पहुंचाने के लिए काफी है। कहानी में अगली एंट्री इंस्पेक्टर फ्रांसिस की होती है। उसके मुताबिक इतनी बहरहमी से मारने वाले जानवरों की बातें किससे कहानियों में ही अच्छी लगती है। उसे शक है कि ये काम किसी पागल संकी का है। लॉरेंस को उसके पिता ने कभी पागल खाने भिजवाया था। वो समझ जाता है कि इंस्पेक्टर फ्रांसिस उस पर शक कर रहा है। दोनों के बीच होती बहस में लॉरेंस इंस्पेक्टर को जाने के लिए कह देता है। उस वक्त कोई ठोस सबूत ना होने के कारण फ्रांसिस निकल जाना ही बेहतर समझता है, मगर वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये बात लॉरेंस अच्छी तरह जानता है। अब लॉरेंस की तबीयत में तब्दीली आने लगी है। उसे कोसों दूर की आवाजें साफ सुनाई देने लगी है। भयानक दृश्य दिखने लगे हैं। वो अपने अंदर एक अनोखी ताकत महसूस करने लगा है। ग्वेन ने उसकी खूब सेवा की है, ध्यान रखा है। दरिंदे का काटा दरिंदे में बदलेगा। अगर ये कहावत सच साबित हुई और ग्वेन को कुछ हो गया तो लॉरेंस खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पूरनमासी से पहले ही ग्वेन को खुद से दूर भेज देता है। आखिरकार पूरनमासी की वो घनघोर काली रात आ ही जाती है और लॉरेंस बदलने लगता है। उसकी हड्डियां बढ़ने लगती हैं, पंजे फैलने लगते हैं,
पूरे शरीर पर बाल उगने लगते हैं और देखते ही देखते लॉरेंस एक खूंखार भेड़िए में बदल जाता है। दरिंदे को फंसाने के लिए गांव वाले हिरन को चारा बनाते हैं, पर अफसोस कि उनकी चाल जाल बनकर उनसे ही लिपट जाती है। दरिंदे की फुर्ती तेजी रफ्तार से कोहराम मच जाता है, उसकी दहशत भरी गुर्राहट के आगे कोई टिक नहीं पाता है। पेट चीर कर लॉरेंस एक एक की अकड़िया बाहर निकाल लेता है। बदलने के बाद लॉरेंस का खुद पर काबू था ही नहीं, हालांकि होश में आने पर उसे इस बात का बेहद अफसोस भी होता है। लॉरेंस ही दरिंदा है, इस बात का सबूत इंस्पेक्टर फ्रांसिस के हाथ लग जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से लॉरेंस को उसी पागल खाने में भेज दिया जाता है जहां कभी उसके पिता ने उसे भिजवाया था। लॉरेंस का इलाज करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, या सच कहूं तो एक्सपेरिमेंट के नाम पर उस पर अत्याचार किया गया। उस कैद खाने में लॉरेंस के ऊपर जितनी दफा अन्याय हुई उतनी बार उसके मुंह से पिता का जिक्र निकला। टॉर्चर सह सहकर जब आजाद होने की उम्मीद उसे मिटती दिखाई दी, तब उस अंधेरे में उसे ग्विन का प्रतिबिंब नजर आया। हालांकि अपने अस्तित्व से जुड़े भयानक चेहरे को याद करके वो फिर से खौफजदा हो गया था। लॉरेंस के पिता सर जॉन की सच्चाई आखिर में उसके सामने आई। किसी रोज भारत के हिंदू कुश में, जब अफगानिस्तान नहीं था, तब उसके पिता वहां के जंगलों में भटकते हुए एक गुफा तक जा पहुंचे, जहां एक खूंखार प्राणी रहता था। उसमें असीम बल था। उसके काटने के बाद वो लॉरेंस की तरह ही बदलने लगे। लोगों को बेहोशी में चीरने फाड़ने का दुख उन्हें भी था, हालांकि बाद में उन्हें इसमें मजा आने लगा। बेन को भी उन्होंने ही मारा और उसके मौत की कारण बनी ग्विन। लॉरेंस के पिता ने न सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे की बहरहमी से हत्या की, बल्कि ग्विन के प्रति हवस का भी जिक्र किया। उन्हें हर हाल में ग्विन चाहिए, जिसके लिए वो पहले ही बेन को मार चुके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो वो लॉरेंस को भी बख्शेंगे नहीं। पिता की हैवानियत का काला सच जानकर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, पर बेड़ियों में जकड़े होने के कारण लॉरेंस लाचार हो जाता है। कुछ पागलों को गलत फहमी है कि वो दरिंदे को काबू कर सकते हैं, अपने इशारे पर नचा सकते हैं। लॉरेंस चीख चीख कर ऐसी गलती ना करने की गुहार लगाता रहा, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। तभी पूरनमासी का चांद अपने पूरे रूप में आया। लॉरेंस भेड़िए में बदला और अंजाम ये हुआ कि कईयों को बेरहम मौत का शिकार होना पड़ा। फ्रांसिस की नजरें पहले से ही लॉरेंस पर गड़ी हुई थी। वो दूर तक लॉरेंस का पीछा करता है, उस पर गोलियां बरसाता है, लेकिन भेड़िए में बदलने के बाद लॉरेंस का खुद पर काबू था ही नहीं, और जब तक पूरनमासी का चांद अपने चरम पर रहेगा, दरिंदे को कोई रोक नहीं पाएगा। होश में आते ही लॉरेंस छुपते छुपाते ग्विन के पास पहुंचता है। बेन को मारने वाला दरिंदा कोई और नहीं, उसके पिता सर जॉन है, सब सच बता देता है। वो टैलबोट हाउस पहुंचकर इस किस्से को खत्म करना चाहता है। ग्विन लॉरेंस से प्यार करने लगी है। बेन तो नहीं बच पाया, पर लॉरेंस को बचा ले, इस उम्मीद में वो मलाइवा के पास पहुंचती है। फ्रांसिस अपने दल के साथ पूरे इलाके को घेर लेता है, और लॉरेंस जहां भी दिखे बिना समय गवाए गोली मारने का फरमान जारी कर देता है। नजरें बचाते हुए लॉरेंस जैसे ही घर पहुंचता है, उसे अपने नौकर सिंह की नोची खसोटी लाश दिखाई पड़ती है। दबे पैर वो सिंह के कमरे में घुसता है और चांदी की गोलियां बंदूक में भर लेता है। सर जॉन जानते हैं कि लॉरेंस उन्हें खत्म करने के इरादे से आया है। बड़ी चालाकी से वो बातों में उलझाकर लॉरेंस को भटका देते हैं। तभी पूरनमासी का चांद फिर से अपने चरम पर पहुंचता है और दोनों दरिंदे में बदल जाते हैं। दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। सर जॉन लॉरेंस को बुरी तरह नोचता खसोटता है, भाले से भी तेज धार दांतों से उसके बदन की चमड़ी तक उखाड़ लेता है। लॉरेंस के पलटवार करने से सर जॉन आंख के चपेट में आ जाते हैं, और मौका पाते ही सर धड़ से अलग करके लॉरेंस सर जॉन का खेल खत्म कर देता है। उसी वक्त ग्वेन महल पहुंचती है। लॉरेंस इस वक्त दरिंदे के वश में है, वो ग्वेन की जान ले लेगा, इसलिए इंस्पेक्टर फ्रांसिस बीच में आता है। दरिंदा उसके निशाने पर होता है, मगर ग्वेन लॉरेंस को बचाने के लिए इंस्पेक्टर के आड़े आ जाती है। निशाना चूक जाता है और दरिंदा फ्रांसिस को काट लेता है। घायल होने के बावजूद इंस्पेक्टर डट कर सामना करता है, लेकिन फैलते आंख से भेड़िए को बेचैनी होने लगती है और वो ग्वेन के पीछे निकल जाता है। सर जॉन की भांति उसका महल भी आग में धधकने लगता है। फ्रांसिस अपने दल के साथ ग्वेन को बचाने और भेड़िए का शिकार करने घने जंगल के भीतर जाता है। आखिर में बहती नदी ग्वेन के रास्ते का रुकावट बनती है और दरिंदा उसके सामने आ जाता है। मौत सामने देखकर भी ग्वेन जान बचाने की जगह शैतान के भीतर सोए लॉरेंस को जगाने की कोशिश करती है, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोहब्बत की खातिर लोग फना हो गए, लेकिन कभी प्यार पर आंच आने नहीं दी। ग्वेन लॉरेंस को श्राप के साथ बर्बाद होते नहीं देख सकती थी, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर नम आंखें और कपकपाती हाथों से गोली मारकर लॉरेंस को श्राप से मुक्त कर देती है। वाकई अपने प्यार का गला अपने ही हाथों से घोट कर जी पाना अपने आप में एक श्राप है।
लेकिन लॉरेंस की मौत से इस कहानी का अंत पूरी तरह नहीं हो पाया है। दरिंदे के काटने पर फ्रांसिस श्रापित हो चुका है, जिसे बादलों में छुपे पूरनमासी की चांद का इंतजार है।